सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? मैं आज मैं आगे और एक नया वीडियो लेके, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी ग्लोबल वर्जन वर्सेस पबजी कोरियन वर्जन। सो उसके भी बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले यार थैंक यू सो मच आप सभी का इतना सपोर्ट करने के लिए। 9K तो क्रॉस कर चुका है, आई गेस कि 10K भी हम टच कर लेंगे कुछ ही दिनों में। थोड़ा हार्डवर्क की ज़रूरत है, इसके बाद टच कर लेंगे। सो यार आज के इस वाले वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि पबजी जो ग्लोबल वर्जन है जो हम लोग खेलते हैं उसके साथ पबजी जो कोरियन वर्जन है उसका क्या क्या डिफरेंसेस है, सबके बारे में बात करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो आप जानते ही हो जो हमारा ग्लोबल वर्जन है उसमें कुछ ज़्यादा कुछ हमें नहीं मिलता, हर टाइम हमें जूते चप्पल ही मिलते हैं। सो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सो आप सभी को पता है पबजी ग्लोबल पे क्या क्या होता है और क्या क्या है हमारे लिए, सब कुछ पता है। पर हम कोरियन वर्जन यूज़ नहीं करते, सो इसीलिए हमें पता नहीं है कोरियन वर्जन पर हमें क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या जो डिसएडवांटेज है वो मिलते हैं हमें। सो मैं आज दिखाऊंगा, मैं कोरियन वर्जन भी खेलता हूँ और ग्लोबल वर्जन भी खेलता हूँ। सो आज दिखाऊंगा उस पर क्या क्या होता है और इस पर क्या क्या नहीं होता है, मतलब उस पर ज़्यादा एडवांटेजेस है इससे ज़्यादा, तो क्या क्या वो आज बताएंगे। जैसे कि हमारा जो क्रेट होता है उनमें कितने सारे क्रेट है, 1 2 3 4 5 6 5 ही है टोटल 5 है पर उस पर उससे भी ज़्यादा है। दिखाऊंगा अभी, बस दिखाऊंगा। चलो अभी हम चलते हैं कोरियन वर्जन पे और मैं आपको दिखाता हूँ उस पर क्या क्या अच्छा है हमारे इस वर्जन से, ठीक है। सो ये चले हम कोरियन वर्जन, लॉगिन होने दो, मतलब स्टार्ट होने दो, इसके बाद मैं दिखाता हूँ। सो ये आ गया हमारा जो कोरियन वर्जन है उस पर आ गए। इसके बाद सबसे पहला जो उसका बेनिफिट है ना उसके बारे में बात करेंगे, इसके बाद जो डिसएडवांटेज है उसके बारे में बात करेंगे। फ़ायदा के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सो इसके बाद सबसे पहली फ़ायदा जो है ना उस पर एक एक्स्ट्रा कॉइन मिलता है, मतलब उसको मेडल बोलते हैं, उसका नाम है डोंकास्टू मेडल, मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पर। उसका फ़ायदा क्या है, आप 4 मेडल अगर आप एक साथ जमा पाओगे तो 4 मेडल से एक क्रेट, कोई भी क्रेट, मतलब 7 8 क्रेट उधर, उसमें से तीन चार क्रेट को छोड़ के बाद बाकी सारे क्रेट आप उससे ओपन कर सकते हो। 4 डोंकास्टू मेडल से आप एक क्रेट ओपन कर सकते हो, ठीक है। और ये वीकली मैं बाद में बताऊंगा, आपको आसानी से मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, बस इसको याद रखना। सबसे एडवांटेज है डोंकास्टू मेडल हम लोगों को उस पर मिलता है। सो इसके बाद जो आता है सेवरल क्रेट्स, मतलब बहुत सारे ढेर सारे क्रेट्स, टोटल 9 क्रेट शायद आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्रेट टोटल आप देख सकते हो कितने सारे क्रेट है। और हर एक में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें, हर एक में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें। इसके लिए ही मुझे थोड़ा लंबी करने की पड़ेगी वीडियो, क्योंकि मुझे सारे क्रेट में क्या क्या आपको दिखाना है, ठीक है। सो फास्ट स्टार्ट करते, देख सकते हो कितने सारे अच्छे अच्छे स्किन्स मिल रहे हैं हमें बहुत। और आपको पता ही है जितना ज़्यादा क्रेट होगा उतना ज़्यादा हमें हायर चांस मिलेगा कि कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा हमें। मैंने भी क्रेट ओपन किया था जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उसके बाद ही मैंने क्रेट ओपन किया था रात को, मेरे को कारंटेड की एक स्किन मिली थी, मैं बाद में दिखा दूंगा कौन सा स्किन। और ये देख सकते हो कितने सारे अमेजिंग स्किन्स है जो हमारे ग्लोबल वर्जन पे नहीं है, ठीक है। और बहुत कुछ फ्री में भी मिलने वाला है, सो बाद में दिखा दूंगा फ्री में क्या क्या मिलता है। सो यहाँ पे देख सकते हो कुछ वॉइस चैट भी मिलता है और ड्रेसेस मिलते हैं, कार्स मिलते हैं, यह देख सकते हो पेन का स्किन पिंक पूरा बहुत मस्त है। इसके बाद नीचे और एक डसिया की स्किन है, ये मैंने बताया था कि लीक्स पे आने वाला है ग्लोबल पे, ये देखो सीजन 10 पे आएगा, अभी ग्लोबल पे आएगा पर पहले से कोरियन पे, ठीक है। सो इसके बाद और भी ढेर सारे आप देख सकते हो कितने सारे क्रेट है इस पर। और अमेजिंग सी बात है कि सोल्जर क्रेट पर भी हमें मिलता है स्किन्स, और ये कुछ कुछ चीज़ें मिलते हैं जो हमारे सोल्जर क्रेट में, जो हमारा ग्लोबल वाला ओरिजिनल सोल्जर क्रेट है उस पर क्या क्या मिलता है आपको पता ही है। और इस पर क्या क्या मिलेगा मैं बाद में एक एक करके सबको दिखाऊंगा, आप पूरा चेकआउट करते रहना, सब दिखा दूंगा, आप पूरा आराम से देखना, ठीक है। सो इसके बाद जो आता है हमारा रिवार्ड्स, ठीक है, वीकली रिवार्ड्स। सो हमारा वीकली रिवार्ड्स तो आपको पता ही है क्या क्या मिलता है, और इसका वीकली रिवार्ड्स पे मैं दिखाता हूँ क्या क्या मिलता है। आप देख सकते हो कूपन स्क्रैप मिलते हैं, 3 कूपन स्क्रैप, एक प्रीमियम, एक शायद क्लासिक का और दूसरा और किसी क्रेट का पता नहीं। और देख सकते हो डोंकास्टू मेडल मिलते हैं 2 बार वीकली, 2 बार मिलते हैं, एक पे मिलता है सिंगल डोंकास्टू मेडल, और ये जो बड़ा वाला डोंकास्टू मेडल आप देख सकते हो, इसको डोंकास्टू मेडल मैंने बोला था ना, सो इस पे मिलने वाला है 4। तो टोटल वीकली आपको 5 डोंकास्टू मेडल मिलेंगे, मतलब आप वीकली एक क्रेट ओपन कर सकते हो, ठीक है। और भी ऑप्शन है उधर इवेंट का, वो मैंने चेकआउट नहीं किया, मैंने सोचा कि जो सामने है उसको भी बता दूँ, बीच जो अंदर वाले बात है वो बाद में बात करेंगे। सो इसके बाद आता है जो हमारा और एक बेनिफिट जो है, और रिडीम सेक्शन का, ठीक है। तो रिडीम सेक्शन पे हमें क्या क्या मिलने वाला है मैं पहले दिखा देता हूँ, रिडीम वाला सेक्शन पे जाके आपको क्या क्या मिलने वाला है। और अमेजिंगली गाइस इस पे बहुत सारे चीज़ें आप देख सकते हो, हमें जो सिल्वर फ्रेगमेंट उससे क्या क्या मिलने वाला है आप देख सकते हो, चेकआउट कर लो, बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें। और अभी तो शुरुआत है, ट्रेलर है, नीचे जाओ अब देखो,
देखो आपको क्या क्या मिलने वाला है 500 के अंदर, कितने सारे 500 सिल्वर फ्रेगमेंट के अंदर आपको कितने सारे चीज़ें मिलने वाले हैं, बस सिल्वर फ्रेगमेंट से मिलने हैं। 450 सिल्वर फ्रेगमेंट, 350 सिल्वर फ्रेगमेंट ऐसे। देखो हेलमेट की स्किन, ग्रोजा की स्किन, यूएमपी की स्किन, हेलमेट की स्किन और ये जो पैराशूट का स्किन, इवन हमें प्लेन का स्किन भी मिलने वाला है, हर एक चीज़ का स्किन। और नीचे देख सकते हो कितने सारे ऑरेंजेस जो थे ना पहले हमारे सीजन 2 पे आए थे ग्लोबल पे, ये अभी भी इन पे हैं, आप इनको सिल्वर फ्रेगमेंट से ले सकते हो। और ये भी परमानेंट स्किन है, आप सोचना मत कि लिमिटेड है, पूरा परमानेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो इनको सिल्वर फ्रेगमेंट से। और हमें इतने सिल्वर फ्रेगमेंट पे क्या मिलता है, हमारा जो ग्लोबल वर्जन है आपको पता ही होगा। और नीचे और एक US का भी स्किन है जो मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स के मैंने देखा है उनके पास है ये वाला स्किन। सो ये ग्लोबल पे नहीं है अभी, पर ये मतलब हो भी सकता है, पर मतलब ये नहीं है रिडीम सेक्शन पे, ये नहीं है, इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है, बकवास चीज़ है डाला हुआ है उधर। और जो और एक है आप देख सकते हो, अभी मैं बताऊंगा सोल्जर क्रेट के बारे में, ठीक है। सोल्जर क्रेट पे आपको क्या क्या मिलने वाला है बस चेकआउट करना, अभी मैं दिखाने जा रहा। सोल्जर क्रेट पे आप देख सकते हो इधर भी डोंकास 2 मेडल, गन का स्किन, M4 का स्किन, स्कारल का स्किन एक्स्ट्रा मिलता है। और हमें वहाँ पे क्या मिलता है जो हमारा ग्लोबल वर्जन है, जूते चप्पल ये सब वगैरह वगैरह मिलते हैं, उनके बारे में फिलहाल बात नहीं करते। सो आप देख सकते हो, और ये देखो डोंकास 2 मेडल भी मिलने वाला है। और इस पे क्या होता है पता है आपको, इस पे हायर चांस रहता है आपको मिलना ही, ये मिलना है पूरा मिलना ही है उस पे, ठीक है। सो उस पे हायर चांस रहता है हमारे इस कोरियन वर्जन पे, हायर चांस रहता है कि मिल आपको मिलना तय है, पर ग्लोबल वर्जन पे हमें मिलते नहीं है ज़्यादा, आपको पता ही है। सो इसके बाद जो अभी हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे, सो ठीक है। सो इस पे क्या होता है, नो इवेंट्स, मतलब आपको कोई भी इवेंट नहीं मिलेगा अगर आप VPN कनेक्ट नहीं करोगे, तो आपको कोई भी इवेंट नहीं मिलेगा। VPN आपको कनेक्ट करना पड़ेगा जापान या फिर साउथ कोरिया से, तभी आपको इवेंट मिलेंगे। ग्लोबल पे जो इवेंट मिलते हैं ना हमें डेली या फिर हफ्ते में एक बार इवेंट आते हैं, चेंज होते रहते हैं, यहाँ पे नहीं मिलने वाले। देख सकते हो इवेंट इज़ नॉट ओपन येट, नहीं मिलने वाला जब तक आप VPN जापान या साउथ कोरिया से कनेक्ट नहीं करोगे। दूसरा वाला जो डिसएडवांटेज है वो है कि आप किसी भी ग्लोबल वर्जन पे बनाया हुआ क्लैन पे आप ज्वाइन नहीं कर सकते। जैसे कि आप ग्लोबल वर्जन खेल रहे हो, अगर उस पे आपने एक क्लैन बनाया होगा, सो आप कोरियन वर्जन से उस क्लैन पे जाके ज्वाइन नहीं कर सकते। ग्लोबल वर्जन का सिर्फ ग्लोबल वर्जन से ज्वाइन किया जा सकता है, और कोरियन वर्जन का सिर्फ कोरियन वर्जन से ज्वाइन किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं क्लैन पे हूँ और यह कोरियन वर्जन पे ही बनाया गया है, इसलिए मैं कोरियन वर्जन से लोग उस पे ज्वाइन कर पा रहा हूँ। पर मेरा जो ओरिजिनल क्लैन है एलिमेंटल्स, हमारा यस क्लैन, उस पे मैं ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि वो ग्लोबल वर्जन पे मैंने बनाया हुआ है और ये कोरियन वर्जन है, सो इसीलिए अनएबल टू ज्वाइन दिखाएगा, ठीक है। सो इतना ही था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमें जानने की ज़रूरत है, हमें पता नहीं। और अगर आप बिगिनर हो तो आप कोरियन वर्जन पे आ सकते हो क्योंकि बहुत फ़ायदा होगा, आपको स्किन्स भी मुफ्त में मिलेंगे और हर एक क्रेट में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, सो इस पे एडवांटेज तो आपको होगा ही। सो गाइज, इसका और एक एडवांटेज है कि आप इससे भी एशिया पे खेल सकते हो, एशिया मतलब एशिया सर्वर पे खेल सकते हो। अपना जो भी फ्रेंड है अगर वो ग्लोबल वर्जन पे खेल रहा है, सो आप उसके साथ भी इस अकाउंट से खेल सकते हो, मतलब इस वर्जन से खेल सकते हो। सो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से खेल सकते हो। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई होप कि आप एक लाइक करके जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू अ लॉट, थैंक्स फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट, एंड टेक केयर।